दिल्ली जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे, आपने ट्वीट भी किया था, तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, मैं तो इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि हमारे जो देश के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जी, क्योंकि ये जो खिलाड़ी वहाँ धरने पर बैठे हैं ये साधारण खिलाड़ी नहीं है, ये सारे हमारे देश के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं, जिन्होंने एशियन में गोल्ड मेडल वगैरह जीता हुआ है, तो इस तरह के खिलाड़ी हैं ये, और इनको इस तरह से धरना करना पड़ा और अभी भी धरने पर बैठे हैं, इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इस मामले का संतोषजनक हल जितना जल्दी हो सके निकाला जाए, क्योंकि इससे जो एक हमारा समाज है, खासतौर पर वो बच्चे या बच्चियां जो खेलों में जाना चाहते हैं देश के लिए और अपने लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, वो थोड़े हतोत्साहित होते हैं, तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके ऊपर जितनी जल्दी कार्रवाई हो जिससे संतुष्टि हो जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर। सर, WF अध्यक्ष शरण भूषण सिंह जो है, ब्रजभूषण शरण है, वो बार बार सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं और वो L1 के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं और एक कौम की जो है आंदोलन है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, ये खिलाड़ी देश के खिलाड़ी हैं और ये देश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो उनको किसी क्षेत्र से, किसी प्रदेश से या किसी जाति से जोड़ के देखना ना सिर्फ उन खिलाड़ियों के साथ बल्कि देश के साथ अन्याय है। इस तरह की बात कोई भी यदि करता है तो अनुचित है, नहीं करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू।